अच्छा किया बेटा तुम मुझे यहां से ले गए। वरना दो दो बेटियों की बदनामी कैसे झेलता मैं। आप आज भी सितारे को गलत समझ रहे। लेकिन मैं हूं उसके साथ। शौकत अंकल प्लीज किरण को अकेला करने की गलती मत कीजिएगा। अब मैं तुम्हें क्या कहूं बेटा, क्या कहूं मैं? आप कुछ मत कहें। मगर ये सोचिएगा जरूर कि सही काम को गलत तरीके से करना हमेशा गलत नहीं होता। शौकत अंकल देखिए शौकत, हमेशा मैंने आपकी बात मानी है, मगर इस दफा ना आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। बस मैं बता रही हूँ। क्या? सारी बदनामी आपकी बहन के घर से शुरू हुई है, उसे कहें वो ही अब इस गंग को समेटेगी। बस कर दो ये सब। भतीजी भतीजी कहकर बड़ी छूट दे रखी थी, उसके साथ चूड़ियां पहनने भेज रही है, घर पर अकेला छोड़ छोड़ कर जा रही है, तो कहें उनसे अब साथ ले जाए और रखे अपने घर। हमने सारी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं ली हुई। मैंने कहा ना खामोश हो जाओ, खत्म कर दो ये किस्सा। देखे अपने हलक का निवाला निकाल करके लाया मैंने हमेशा उसे, लेकिन एक बात आप भी समझे, जवान बच्ची की माँ हूँ मैं, उसकी बदनामी का असर अपनी बच्ची पर नहीं पड़ने दूंगी शौकत। बस अब मेरी बात सुने, आप उसे प्लीज इज्जत से रुखसत कर दें। मेरी एक बेटी है, हम किसी अच्छे घर में उसके रिश्ते के लिए परेशान हैं। मेरा कोई जानने वाला नहीं, लेकिन मैं फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि बस आप सितारा को बसा लीजिए। तो जाहिर सी बात है, वो मेरी बीवी है, मैंने शादी की उससे, मैं उसे खुश रखूंगा। खुशी की बात नहीं है, बस रख लीजिएगा, यहां मत भेजिएगा। मर गई वो हमारे लिए और हम उसके लिए। लेकिन अंकल उसका घर, उसका भाई और जब घर बिकेगा तो मैं हिस्सा दे दूंगा, लेकिन आपने सितारा की पूरी कीमत सलमान को दे दी है ना, तो बस उसे वहीं रखिएगा, दोबारा यहां मत भेजिएगा।
ये निम्मी कब तक महारानी बनी अपने तख्त पे बैठी रहेगी? अरे भाई, हमसे मिलने बाहर आएगी भी या नहीं? अरे माँ जी, इतनी जल्दी क्या है, कोई काम होगा तो आ जाएगी। इसी ढील की वजह से, तुम्हारी इसी ढील की वजह से एक दिन वो लड़की हमारे सर पे चढ़ के नाचेगी। मेरी वजह से? हाँ, अब इस बात का इल्जाम भी आप मेरे ही सर पे धर दें। और क्या, ना तुम क्या समझती हो कि तुम्हारी नाराजगी को वो कोई अहमियत देगी? ना ना ना, बल्कि वो तो ये समझ रही होगी कि तुमने हथियार डाल दिए। माँ जी, ये मेरा घर है, कोई जंगी महाज नहीं है जो मैं हथियार लेके हाथ में घूमती फिरूं। तो रही बात उसकी अहमियत ना देने की, तो आप हैं ना, आप करवा लीजिए ना अपनी अहमियत उससे। तुम क्या मुंह में गुड़ डाल के खड़े हुए हो? तुम भी कुछ बोलो। दादी, मैं क्या बोलूं, मुझे तो खुद अपने कमरे में जाते हुए डर लग रहा है। अरे तो फै तुम पे, मर्द हो के बीवी से डरते हो? बीवी तो ऐसी है जिसने अपनी भाभी को कत्ल करने की कोशिश की है। हाय मेरे अल्लाह, जोया को? हाँ, लेकिन वो सबके सामने मुकर गई। पर जोया को झूठा बना दिया। उसकी तो आदत है हमेशा मुकरने की। ये जो मरने मराने वाली हरकतें अगर वो कर रही है ना, तो उसको उसके घर छोड़ के आओ। ताई ने कहा है कि उसे किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर को दिखाओ। और अगर अब घर छोड़ आया तो लोग क्या कहेंगे कि हम उसे शादी करके क्यों लाए थे? अरे तो बता दो ना कि शादी करके तो हम इसलिए लाए थे कि नजमा के नाक में नकेल डाल सके। लेकिन अब तो उसकी बेटी की हालत देख के लगता है कि उसके पांव में जंजीर डाल दो। ठीक कह रही है।